यश ने पहली बार कंफर्म किया रामायण में रावण का रोल। बोले, दूसरा किरदार मिलता तो नहीं करते फिल्म, क्यों हुए इस किरदार के लिए राजी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण लंबे वक्त से सुर्खियां बटोर रही है। जब से फिल्म की चर्चा शुरू हुई तभी से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं। देखा जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि रणबीर कपूर ने रामायण पार्ट वन की अपने हिस्से की 90% शूटिंग पूरी कर ली है। अब खबर है कि फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले साउथ सुपरस्टार यश इसी साल के अंत में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करेंगे। जब से खबर आई थी कि डायरेक्टर नितेश तिवारी के रामायण में केजीएफ स्टार यश रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं, तभी से जनता उन्हें इस किरदार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। हालांकि यश ने अभी तक इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, मगर अब फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रास्ते में है। रॉकिंग स्टार यश ने एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म कर दिया है कि वो रणबीर कपूर स्टार रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले हैं। उन्होंने पहली बार रावण का किरदार निभाने को लेकर बात की और ये भी बताया कि वो रामायण में ये किरदार निभाने के लिए तैयार क्यों हुए। दी हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में यश ने बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद वो अपनी अगली फिल्म टॉक्सिक के लिए लॉस एंजलिस में थे और हॉलीवुड के काम करने के तौर तरीके सीख रहे थे। वहीं पर वो टॉक्सिक के वीएफएक्स के लिए विजुअल इफेक्ट्स कंपनी डीएनईजी और प्राइम फोकस के मालिक नमित मल्होत्रा से मिले, जो रामायण पर भी काम कर रहे हैं और फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश ने बताया कि वो नमित से ये सब डिस्कशन कर रहे थे कि टॉक्सिक को कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है और क्या इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। इसी बीच नमित ने यश से रामायण को लेकर बात की, जिस पर वो काफी साल से काम कर रहे हैं। यश ने कहा, उन्होंने बताया कि उनका क्या विजन है और इस फिल्म के लिए कास्ट जुटाना उनके लिए कैसे मुश्किल भरा हो गया है। मुझे वो व्यक्ति पसंद आए और उनका विजन बहुत पसंद आया। हम दोनों का एक जैसा ही विजन है और जिस तरह का सपोर्ट हमें इंडियन ऑडियंस ने दिया है, उसके बाद इंडियन फिल्मों को कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा सकता है ये सोचना बाकी है। तो हमारी सोच मिली और फिर अचानक हिचकिचाते हुए उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या तुम इसका हिस्सा बनना चाहते हो, क्या तुम ये किरदार यानी रावण का किरदार निभाना चाहते हो। यश ने आगे कहा कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि फिल्म में किरदार विलन का है या हीरो का, लेकिन रोल दमदार होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया, अगर एक किरदार को किरदार की तरह ट्रीट किया जाए तो मुझे ऐसी कोई हिचक नहीं। अगर आज ऐसा नहीं होता तो इस फिल्म का बनना भी मुश्किल होता, क्योंकि इस तरह के बजट के साथ ऐसी फिल्म बनाने के लिए आपको ऐसे एक्टर्स की जरूरत होती है जो खुद से ऊपर उठकर, खुद के स्टारडम से ऊपर उठकर प्रोजेक्ट के लिए काम करें और विजन को सबसे ऊपर रखें। यश ने कहा कि नमित के विजन के चलते ही वो पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो गए और रामायण को उनके साथ को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग पर भी यश ने बात की। उन्होंने बताया कि जब वो फिल्म से जुड़े तब उन्हें सिर्फ इतना पता था कि रणबीर कपूर जो है वो टीम में फाइनल हुए हैं। उन्होंने बताया कि रणबीर को कास्ट कर लिया गया था, साई पल्लवी और बाकी कास्ट अभी वेटिंग में थे। मुझे लगता है कि इस फिल्म को एक ग्रैंड फिल्म बनाने के लिए इसमें साउथ एंड नॉर्थ दोनों जगह के बेहतरीन एक्टर्स का मिश्रण होना चाहिए। साई पल्लवी कमाल की एक्ट्रेस है और वो हमेशा से नितेश तिवारी की पहली चॉइस थी। यश ने ये भी बताया कि वो रावण के किरदार को किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रामायण से रावण के अलावा कोई और किरदार करने के लिए कहा जाता तो वो शायद काम भी नहीं करते। यश ने कहा, ये बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, मैं किसी और वजह से ये फिल्म करता भी नहीं। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि रामायण में मैं कोई और किरदार निभाना चाहता हूँ क्या, तो शायद नहीं। मेरे लिए एक एक्टर के तौर पर रावण सबसे एक्साइटिंग किरदार है निभाने के लिए। मुझे इस किरदार के शेड्स और बारीकियां बहुत पसंद है। इसे अलग तरीके से निभाने का बहुत स्कोप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये कर पाऊंगा। यश फिल्म की शूटिंग 2025 की पहली तिमाही तक कर लेंगे। इसके बाद सनी देओल अगले साल की गर्मी में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करेंगे। सनी देओल इस रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले हैं। बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 की शूटिंग खत्म करने के बाद सनी देओल नितेश की रामायण से जुड़ेंगे। उन्होंने नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की शूटिंग को लिए काफी ज्यादा अप्रोच किया और उसकी डेट्स भी फाइनल की। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि 2025 के बीच में किसी भी वक्त रणबीर कपूर के सनी देओल और यश के साथ सीन्स को फिल्माया जा सकता है। वेल, आप रामायण के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828850888।